नमस्कार। चुनाव पर हमारे खास कार्यक्रम जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। गुजरात के चुनावी महाभारत की रणभूमि सज चुकी है। चुनावी योद्धाओं के नाम करीब करीब तय हो गए हैं। देश भर से कौन कौन से बड़े नेता इन योद्धाओं का हौसला बढ़ाने के लिए गुजरात पहुंचेंगे, अब ये भी साफ हो चुका है। आज जनादेश के संक में हम आपको बताएंगे कि गुजरात में कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट क्या है। साथ ही हम जानेंगे कि आज गृहमंत्री अमित शाह ने कौन सा बड़ा दावा किया, देखेंगे कांग्रेस दफ्तर में आज क्यों हुई तोड़फोड़, और जानेंगे कांग्रेस के किस नेता पर पैसे देकर टिकट बांटने का लगा है आरोप। लेकिन सबसे पहले जानते हैं गुजरात पहुंचकर गृहमंत्री अमित शाह ने क्या बड़ा दावा किया। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया जारी है। मंगलवार को सारण से बीजेपी उम्मीदवार कन्नूभाई पटेल ने अपना नामांकन दाखिल किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सैकड़ों समर्थकों के साथ कन्नूभाई पटेल के नामांकन में शामिल हुए। सारण सीट गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में आती है और गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर लोकसभा सीट से सांसद हैं। सारण में करीब 2.5 लाख मतदाता हैं। सारण विधानसभा सीट पर 2017 में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन जीत बीजेपी को मिली थी। गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में आने की वजह से यहां पर ब्रिज, सड़कें, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का लगातार विकास किया जा रहा है। बाद में गृहमंत्री अमित शाह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस चुनाव में बीजेपी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी और सबसे ज्यादा सीटों और वोटों से जीतकर बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सीएम भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के सभी विकास कार्यों को गति दी है। गुजरात की कानून व्यवस्था, शिक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य और महिला विकास में काफी सुधार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी आ विधानसभा की चूंटियों में अत्यार सुधीना बधाज विक्रमों तोड़ी सौथी वधु सीटों अने सौथी वधु मतों साथे फरी एक बार प्रचंड बहुमती थी अहीं सरकार बनावशे एवो अमारा सौनो विश्वास। नरेंद्र भाई ना नेतृत्व में गुजरात ना मुख्यमंत्री भूपेन्द्र भाई अनेक विकास ना कामों ने दृढ़ता साथे गति आपी छे। गुजरात नी अंदर शिक्षण, उद्योग, स्वास्थ्य, महिला कल्याण नोंधपात्र प्रगति करी छे। बीजेपी ने सोमवार को दूसरे चरण के लिए 12 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। अल्पेश ठाकुर को लेकर चल रही खींचतान इस सूची के जारी होने के बाद खत्म हो गई। अल्पेश को गांधीनगर दक्षिण से टिकट दिया गया है। अल्पेश 2019 में बीजेपी में शामिल हुए थे। 2017 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल करी थी, लेकिन 2019 में हुए उपचुनाव में वो अपनी राधनपुर सीट हार गए थे। यहीं सिद्धपुर से लवंगजी ठाकुर को लड़ाया जाएगा। चौथी सूची के साथ बीजेपी ने 182 सीटों में से 178 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। अभी 4 उम्मीदवारों के नाम जारी करना बाकी है। शुक्रवार को बीजेपी की सूची में पाटन से डॉक्टर राजुलबेन देसाई, गांधीनगर उत्तर से रीटाबेन पटेल, कलोल से बागजी ठाकुर, बटवा से बाबू सिंह जाधव, पेटलाद से कमदेश पटेल, महमदाबाद से अर्जुन सिंह चौहान, झालोद से महेश भूरिया, जयपुर से जयंती भाई राठवा और सयाजीगंज से केयूर रोकड़िया के नाम शामिल हैं। बीजेपी ने रविवार को भी एक उम्मीदवार के नाम की घोषणा की थी। पार्टी ने 52 सीट से जगदीश भाई मकवाना को मैदान में उतारने का ऐलान किया था। अब सीधे रुख करते हैं भोपाल स्थित राजभवन का, जहां एक समारोह को संबोधित कर रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सिंहस्त कुंभ अमरकंटक में नर्मदा का उद्गम स्थल तथा प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रसिद्ध मंदिर, प्रभु श्री राम की वनवास स्थली चित्रकूट मध्य प्रदेश के आध्यात्मिक महत्व को रेखांकित करते हैं। भीम वाटिका, सांची तथा खजुराहो के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को देखने के लिए देश विदेश से अनेक पर्यटन
आया करते हैं। मध्य प्रदेश को प्रकृति का अनुपम वरदान है। मुझे बताया गया है कि क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। राज्य के अनेक नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और टाइगर रिजर्व्स है। हाल ही में कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया में से आए गए चीता के पुनर्वास के लेकर वाइल्ड लाइफ में रुचि रखने वाले सभी लोग अत्यंत उत्साहित थे। देश से विलुप्त हुए चीतों के पुनर्वास के लिए इस महत्वपूर्ण अभियान की सफलता के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। देवियों और स्वजन, पिछले महीने भारत सरकार द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में लगातार छठी बार देश के सबसे स्वच्छ शहर होने का पुरस्कार प्राप्त करने वाले इंदौर शहर को तथा सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्रदान करने का अवसर मुझे मिला। ये उपलब्धि भी सराहनीय है कि इस सर्वेक्षण में 1,00,000 से अधिक आबादी वाले 100 सबसे स्वच्छ शहर से रैंकिंग में 30 शहर यानी लगभग 1/3 शहर मध्य प्रदेश में ही है। ये सफलता मध्य प्रदेश के प्रबुद्ध लोगों की जागरूकता तथा सक्रिय जनभागीदारी का प्रभावी उदाहरण है। स्वच्छता की संस्कृति को मजबूत बनाने के लिए मैं मध्य प्रदेश के सभी निवासियों की हार्दिक प्रशंसा करती हूँ। स्वच्छता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के निवासियों के प्रयास सभी देशवासियों के लिए अनुकरणीय है। देवियों और स्वजनों, मध्य प्रदेश के इतिहास में महिलाओं के योगदान की अमर गाथाएं समाहित है। रानी दुर्गावती और झलकारी बाई जैसे वीरांगनाओं ने महिलाओं के समर्पण और बलिदान की गौरव गाथाएं लिखी है। मध्य प्रदेश में अनेक महारानियों ने अपने उत्कृष्ट शासन की छाप छोड़ी है। इंदौर की अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करके देश की आध्यात्मिक परंपराओं में मध्य प्रदेश के योगदान की अमिट गाथा लिखी है। प्रदेश की महिला विभूतियों के प्रति सम्मान अभिव्यक्ति करने के लिए भोपाल के रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त करने के साथ साथ उसका नामकरण जनजातीय समाज से आने वाली अंतिम महारानी रानी कमलापति के नाम पे किया गया है। देवियों और स्वजनों, आज DRDO की ग्वालियर स्थित मैक्सिमम माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेनमेंट लेबोरेटरी का शिलान्यास करके मुझे प्रसन्नता हुई है। इस प्रयोगशाला के स्थापना से देश न सिर्फ बायो डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा बल्कि भविष्य में COVID-19 जैसे चुनौतियों का प्रभावी रूप से सामना करने में भी सक्षम होगा। इस अवसर पर मैं DRDO की पूरी टीम को बधाई देती हूँ तथा इस प्रयोगशाला के समयबद्ध निर्माण के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज मुझे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के रातापानी से इटारसी जाने वाले हाईवे परियोजना का शिलान्यास करने के लिए मौका मिला, इसीलिए मैं प्रसन्नता हूँ और इस परियोजना पूर्ण होने पर पर्यटकों का तथा अन्य लोगों का आवागमन में सुविधा होगी, ये मुझे विश्वास है। देवियों और स्वजना, मध्य प्रदेश में समावेशी विकास के लिए नई आयाम स्थापित किए गए हैं। राज्य ने विकास के कई मानकों पर प्रभावशाली उपलब्धियां हासिल की है। मध्य प्रदेश के ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में पिछले एक दशक की अवधि में लगभग 3.5 गुना वृद्धि हुई है। खाद्यान्नों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान अग्रणी राज्यों में से है। कृषि विकास दर में पिछले 4 वर्षों में औसतन 20% की वृद्धि हुई है।
प्रदेश के समग्र विकास के लिए मैं राज्यपाल मंगूभाई पटेल जी, मुख्यमंत्री श्री शिवराजली चौहान जी तथा राज्य सरकार की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश की विकास यात्रा और भी तेज गति से आगे बढ़ेगी तथा उस विकास का लाभ प्रदेश के सभी वर्गों के जन जन तक तो पहुँचेगा। मैं मध्य प्रदेश के सभी निवासियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ। आशा करती हूँ कि मध्य प्रदेश देश में एक उज्ज्वल तरीका के रूप में उभार के आएगी। इसी के साथ ही पुनः आप सभी को धन्यवाद देके मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। तो ये थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो मध्य प्रदेश के राजभवन में नागरिक अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रही थी। यहाँ उन्होंने मध्य प्रदेश की शानदार विरासत को याद किया, उसकी तारीफ की और रानी अहिल्याबाई होलकर और रानी दुर्गावती को याद किया। फिलहाल जनादेश में अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी चुनावी चर्चा जारी रहेगी। ये म्यूचुअल फंड्स है, मैजिक फंड्स नहीं। इसमें भी रिस्क होता है तो पैसा पहले किसी एक्सपर्ट को मिलो। हर फंड के रिस्क और रिटर्न्स दोनों को बराबर समझने के बाद ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करो। समझ गया सर जी, समझ के इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड AIC। कट इट। सोचिए अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं। लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जनादेश में आपका एक बार फिर स्वागत है। गुजरात की चुनावी विसात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी। रामकृपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन में। रामकृपाल जी, आज एक अमित शाह जब आज गुजरात पहुंचे तो उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी सारे चुनावी रिकॉर्ड तोड़ देगी, यानी कि बीजेपी सीटों के मायने में ही नहीं बल्कि वोटिंग परसेंटेज में भी इस बार सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ देगी। तो बीजेपी के नेताओं के जो इस तरह के बयान आ रहे हैं, उनके इस आत्मविश्वास की वजह क्या नजर आती है? देखिए, चुनाव के नतीजों से पहले हर पार्टी दावा करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और लोकतंत्र में अगर जीत की उम्मीद न करें तो वो आप एक राजनीतिक हैसियत से आप राजनीतिक हासिये से निकल जाएंगे। तो वो सभी पार्टियां दावा करती है, लेकिन जो अमित शाह जी कह रहे हैं उस बात में मैं कितनी सीटें मिलेंगी मैं ये तो नहीं कहता हूं, लेकिन उनकी बात में दम है। देखिए, गुजरात में इस 2022 का चुनाव पहली बार एक ऐसा चुनाव हो रहा है जहां मैं समझता हूं कि बीजेपी को बहुत ज्यादा, मतलब एक तरह से निश्चिंत होकर है अंदर से। जब तक नतीजे नहीं आते हर पार्टी को लगता है, कारण यह था कि अब तक बीजेपी 27 सालों से वहां है, लेकिन उसकी गुजरात में 27 साल से पहले भी कांग्रेस और भाजपा, यानी कांग्रेस और बीजेपी, यही होता रहा है कि अगर कभी बीजेपी का कोई विकल्प आया तो कांग्रेस। एक जमाने में कांग्रेस पार्टी वहां पे अल्टरनेट की तरह आती थी, लेकिन 27 सालों से ऐसा नहीं हुआ। लेकिन 2017 में याद कीजिए कि कांग्रेस ने बहुत टफ फाइट दी थी और जितनी उसकी सीटें आई थी और बीजेपी की सीटों में फर्क बहुत कम था। लेकिन ऐसा गुजरात में पहली बार हो रहा है कि जब एक पार्टी नई गई है वहां पे आप, और ये लड़ाई
वहां आपकी लड़ाई बीजेपी से नहीं, आपकी लड़ाई वहां कांग्रेस से, क्योंकि आपका इतिहास रहा है कि वो जहां जहां कांग्रेस हो रही है रहती है, वहां जब आप पहुंचती है तो एक दो बार के बाद वो आप कांग्रेस को रिप्लेस कर दे रही है। लेकिन जैसा कि आप देखें दिल्ली में पंजाब में हुआ, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि गुजरात में कांग्रेस इतनी कमजोर नहीं है कि आप पार्टी उसको एकदम खारिज कर देते। हाँ, ये लड़ाई आप पार्टी और कांग्रेस की है कि बीजेपी के बाद कौन वहां पे राजनैतिक विपक्ष के रूप में राजनैतिक हैसियत किसकी रहेगी, आपकी रहेगी या कांग्रेस की रहेगी। इससे क्या हो रहा है कि जो बीजेपी विरोधी, यानी आप कहिए कि जो बीजेपी के विरोधी वोट हुआ करते थे, जो सॉलिड एक पार्टी कांग्रेस को मिलते थे, अब उन वोटों का बंटवारा हो रहा है। और यह तय जान लीजिए कि जब वोटों का बंटवारा कांग्रेस और आपके बीच होगा तो बीजेपी को निश्चित तौर पर, मैं 4% तो नहीं कहता क्या मिलेगा, लेकिन सीटों में इजाफा हो सकता है। देखिए, मैं अभी आपको आजमगढ़ का उदाहरण, जो बायपोल हुआ था वहां पे, जो चुनाव हुए थे दोबारा, तो वहां देखिए बीजेपी को उसके पहले वाले समय से कम वोट मिले थे, लेकिन बीजेपी इस बार जीत गई आजमगढ़ से। क्यों? क्योंकि एसपी और बीएसपी में वोट बहुत हद तक बंट गया। तो अगर 4% कम भी हो तो भी मुझे लगता है कि सीटों में इजाफा होगा, और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर जो आज अमित शाह दावा कर रहे हैं वो 8 को सच निकल, इसमें कोई वो नहीं है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस ये मान चुकी है, एक तरह से वाक ओवर दे चुकी है, उसको लगता था कि जो बीजेपी का विरोधी वोट है वो कांग्रेस के पास आएगा, आप पार्टी वहां पहुंच गई है। लेकिन अब इधर देखिए कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने जा रहे हैं, तो आप पार्टी के नेता ये जान गए हैं कि गुजरात में वो अपनी एक रिलेवेंस बनाने के लड़ रहे हैं, न कि सरकार बनाने के लिए। उसमें से बहुत सारे नेता देखिए दिल्ली वापस आ गए हैं, यानी उनके लिए प्रायोरिटी दिल्ली एमसीडी है, गुजरात नहीं है। तो आप यूं समझ लीजिए, मैं नहीं कहता कि कितनी सीटें आएंगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जितने अभी तक ओपिनियन पोल भी आए हैं सब बीजेपी को, मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाईएस्ट नहीं तो पिछले, मैं कह रहा हूं कि जब भी है, अगर वो 120 130 के आसपास जा रहे हैं तो आप समझिए करीब करीब ये हो गया। बीजेपी अगर 27 साल के बाद इतने बड़े बहुमत से वापस आती है तो ये करिश्मा ही होगा, और जो मुझे लग रहा है जिसकी संभावना ज्यादा है। रामकृपाल जी, आपने कहा कि कांग्रेस इतनी कमजोर नहीं है गुजरात में, लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि जहाँ बीजेपी के सामने स्थिति स्पष्ट है कि भूपेंद्र पटेल जो हैं वो अब अगर बहुमत आता है तो मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन कांग्रेस के पास कोई स्थानीय चेहरा नहीं है। मुद्दे तो कांग्रेस के पास हैं गुजरात में, ऐसा नहीं है, मुद्दे हैं कांग्रेस के पास गुजरात में, लेकिन एक जो स्थानीय मजबूत चेहरा जो होना चाहिए गुजरात कांग्रेस के पास, वो हमें नजर नहीं आता। इसका कितना खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा? देखिए, इसकी गलती कांग्रेस आलाकमान की है। मैं आपसे कहूं, जरा 2017 का चुनाव याद कीजिए, कांग्रेस के 3 चेहरे बार बार मीडिया में आते थे और पूरे पब्लिक में, कौन? अल्पेश, जिग्नेश, हार्दिक पटेल। कांग्रेस पार्टी ने 2017 में ही अपने किसी भी नेता को इतना आगे नहीं किया, और 5 साल के बाद आज आप देखिए कि हार्दिक पटेल बीजेपी में है, उसमें से एक और बीजेपी में आ गया और एक जो है कोरेगांव में जेल में है। तो आप ये सोचिए कि कांग्रेस ने जब 2017 में जिन 3 युवा चेहरों पर दांव लगाया था, उनमें से 2 तो बीजेपी में है, एक जेल में है। तो अब जब आप पिछले 5-8 साल से कभी अपने पार्टी के नेताओं को आगे नहीं करते थे, दूसरों के बल पे आप गुजरात चुनाव जीतना चाहते थे, उसका परिणाम यही होगा। आज कांग्रेस वहां से बिल्कुल खारिज दिख रही है। मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी पार्टी को, मैंने जो बात कही कि ये तो तय मानती है कि आप पार्टी कांग्रेस के वोटों का बहुत बड़ा एक हिस्सा अपने पास ले जा रही है। अब नंबर 2 पे आप रहती है या नंबर 2 पे कांग्रेस रहती है, रिजल्ट के दिन ये देखना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि हालांकि मुझे दावा नहीं करना चाहिए, मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैसा है कि अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो कहीं भी आप देखिए,
जहां बीजेपी मजबूत होती है वहां आप आसानी से सत्ता में नहीं आती है, वहां आप जो है कांग्रेस को डैमेज करती है और कांग्रेस को इरेलेवेंट बनाने की कोशिश करती है। वो उसकी लड़ाई सारी यही है कि कांग्रेस के जगह अब हम आ गए हैं, भले हम अपोजिशन में 10 साल बैठना पड़े गुजरात में, लेकिन गुजरात से कांग्रेस को हटाने के लिए इरेलेवेंट बनाने के आपकी ये पूरी राजनीति। जी रामकृपाल जी, आप बहुत रोचक जानकारी दे रहे हैं, हम आपसे आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। और खबरों के सिलसिले को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। AISF के पूर्व छात्र नेता और JNU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार गुजरात में कांग्रेस के स्टार प्रचारक होंगे। वहीं हिमाचल चुनाव के लिए समय नहीं निकाल पाए पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी गुजरात में कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। दरअसल आज कांग्रेस ने गुजरात चुनाव के लिए जिन 40 स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को सौंपी है उसमें कन्हैया कुमार और राहुल गांधी का नाम भी शामिल है। इस सूची में पार्टी के कई और बड़े नेताओं के नाम भी शामिल हैं। पार्टी के स्टार प्रचारकों में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कमलनाथ, रघु शर्मा, छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल समेत कई नेताओं को इस सूची में जगह मिली है। इससे पहले गुजरात के लिए बीजेपी ने भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी। चुनाव की शुरुआत होते ही गुजरात कांग्रेस की अंतरकलह सामने आने लगी है। पार्टी के कार्यकर्ता जमालपुर खड़िया सीट से मौजूदा विधायक इमरान खेड़ावाला को टिकट देने का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। इन कार्यकर्ताओं ने आज कांग्रेस मुख्यालय में जमकर तोड़फोड़ की और वरिष्ठ नेता भरत सिंह सोलंकी के पोस्टर जलाए। दूसरी तरफ भरत सिंह सोलंकी भी अपने ऊपर लगे आरोपों से आहत होकर पार्टी मुख्यालय में धरने पर बैठ गए। गुस्साए कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने खेड़ावाला से पैसे लिए और कार्यकर्ताओं के समर्थन के बाद भी पूर्व पार्षद शहनवाज शेख को टिकट नहीं दिया। उधर ओवैसी की पार्टी AIMIM ने गुजरात में अपनी नई लिस्ट में 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी की इस नई सूची में खंबालिया सीट से भी प्रत्याशी का ऐलान किया गया है, जहां आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी इसुदान गढ़वी मुकाबले में है। जाहिर है सीट पर AIMIM के प्रत्याशी के ऐलान के बाद अब मुकाबला चतुष्कोणीय हो गया है। पार्टी ने अपनी नई सूची में मांडवी सीट से एडवोकेट इनकलाब मजीलिया को मैदान में उतारा है। भुज से पार्टी ने शकील समा, खंबालिया से याकूब बुखारी और मंगरोल सीट से सुलेमान पटेल को मैदान में उतारा है। इससे पहले पार्टी ने अहमदाबाद से 3 और सूरत से 2 प्रत्याशियों सहित कुल 5 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया था। गुजरात की चुनावी रण जीतने के लिए सभी पार्टियों ने जी जान लगा दिया है। इस कड़ी में पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने आज पोरबंदर में पार्टी के पक्ष में रोड शो किया। भगवंत मान राज्य विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए 12 से 15 नवंबर तक गुजरात में हैं। इस क्रम में उन्होंने पोरबंदर में रोड शो किया। उन्होंने मतदाताओं से गुजरात के बच्चों के सुखद भविष्य के लिए आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील भी की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, गायक अनमोल गगन मान और क्रिकेटर हरभजन सिंह समेत 20 लोगों के नाम आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में दिए हैं। आपने इन 20 लोगों के नाम की सूची पार्टी के स्टार प्रचारकों के रूप में निर्वाचन आयोग को सौंप दी है। बटन दबाओगे तो समझ लो अपने बच्चों की किस्मत चमकाओगे, अगर कोई और बटन दबाओगे तो 27 साल से 32 साल हो जाएंगे और क्या फर्क पड़ जाएगा, वही रहेगा हालात। तो आपको ये कहने के लिए आए हैं कि झाड़ू का चुनाव चिन्ह है। आप ये दोनों कैंडिडेट हमारे पोरबंदर से और पास की विधानसभा से, ये दोनों आपके बीच में से निकले हुए हैं। आपके दुख दर्द को जानते हैं, हेलीकॉप्टर वालों को आपका दुख दर्द समझ नहीं आता, उसी डॉक्टर के। गुजरात पर चुनावी चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी मौजूद हैं। रामकृपाल सिंह जी से हम ये जानना चाहेंगे कि कांग्रेस ने आज अपनी लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में सोनिया गांधी का भी नाम है, राहुल गांधी का भी नाम है, जो कि हिमाचल चुनाव में दोनों नेता नजर नहीं आए थे। तो क्या हिमाचल से सबक लेते हुए
गुजरात में पार्टी ने अपनी रणनीति में परिवर्तन किया है रामकृपाल जी? देखिए, मुझे तो लगता है कि मजबूरी में रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कांग्रेस की वहां भद चुकी है कि कांग्रेस वहां से बिल्कुल लगता है चुनावी दौड़ से गायब है। तो ये भरपाई की कोशिश की जा रही, लेकिन लेट हो चुका है। और इसमें भी जैसे आपने स्टार प्रचारकों की जब बात नाम लिया, तो पहला नाम कन्हैया कुमार का, बताइए कि गुजरात में कन्हैया कुमार कितना क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। जैसा मैंने कहा ना कि दिनेश अल्पेश और हार्दिक पटेल जब पिछली बार थे तो गुजरात के ही थे, बाकी तो ठीक है, राहुल जी जाएंगे, प्रियंका जी जाएंगी और खड़गे जी जाएंगे, लेकिन लगता है कि जो परसेप्शन होता है ना, देखिए कई बार जो परसेप्शन होता है, जो अवधारणा बन जाती है, वो सच्चाई से भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो ये जो पॉलिटिकल सीन है कि कांग्रेस वहां से बाहर दिख रही है, या बिल्कुल 2017 वाली स्थिति कांग्रेस की नहीं है, और प्लस जो आप पार्टी वहां पीछे 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 गई है, अभी आप देखिए पंजाब में चुकी, वहां बीजेपी नहीं थी इसलिए कांग्रेस का विकल्प आप पार्टी हो गई। तो गुजरात में सत्ता में नहीं आए, लेकिन उसकी ये जो है कि अगर दिल्ली पंजाब के बाद अगर वो गुजरात में कांग्रेस को पीछे छोड़ देती है, नंबर टू पार्टी हो जाएगी, तो भी केजरीवाल के लिए एक बड़ी चीज हो जाएगी। जी रामकृपाल जी, रामकृपाल जी, आपने जो एक बात कही कि कन्हैया कुमार जो है वो कितने बड़े नाम या नहीं है, लेकिन खुद जयराम रमेश ने कहा है कि राहुल गांधी के बाद सबसे लोकप्रिय नेता कन्हैया कुमार है। फिलहाल रामकृपाल जी, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव पर हमारे इस खास कार्यक्रम जनादेश में आज इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे चुनाव से जुड़ी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।